हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 51 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? लॉर्ड मैकेरिने। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 एवं 4। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? ऑप्शन ए फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस, तुर्की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 देशों से। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जेकोबिन क्लब की स्थापना की। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन से सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 ही। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। ऑप्शन ए त्रावणकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध के दौरान टीपू की मृत्यु हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राज गद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। किसने कहा था, मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? टीपू सुल्तान ने। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? ऑप्शन बी टीपू सुल्तान की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कल वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? गुरु अर्जुन देव ने। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ऑप्शन डी धोखेबाजी का। निम्नलिखित में से
कौन कौन से कथन सही हैं? सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर के किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े, वहीं उनकी मृत्यु हुई। सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों ही सही है। किस सिख गुरु ने कहा था, सरदाद सिर्रे सार ना दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? गुरु तेग बहादुर ने। किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा, बाकला के बाबा कहा जाता है? गुरु तेग बहादुर को। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश, सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किए। उन्होंने पाहुल प्रथा, जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों ही। गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं, ऑप्शन ए दशम ग्रंथ, चंडीचरित, विचित्र नाटक, जफरनामा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों ही गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं। किसने मुखलिसपुर में लोहा गढ़िया लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? फर्रुख सियर के आदेश पर। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह ने। रणजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासन काल में अनेक विजयी युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को काल क्रम अनुसार सजाइए। ऑप्शन ए लाहौर, अमृतसर, कांगड़ा, कश्मीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4, पहले लाहौर, फिर अमृतसर, फिर कांगड़ा और फिर कश्मीर। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर पर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमान नामक तोप की प्राप्ति हुई? अमृतसर विजय अभियान के दौरान। रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? बनगी से। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में रणजीत सिंह द्वारा की गई संधि है और सूची दो में जिससे संधि की गई है। अमृतसर की संधि 1809 में लॉर्ड मिंटो से, रोबड़ की संधि 1831 में विलियम बैंटिक से, त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ओगलैंड व सहसुजा से। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3। कूड़े देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज नदी को। रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषता सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया, जिसमें शामिल थे ऑप्शन ए वंतुरा, आलोड, कोट एवं गार्डनर एविटेबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार हुई। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के समय पंजाब राज्य का शासक था दिलीप सिंह। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। लाहौर की संधि 1840 में, भैरोवाल की संधि 1840 में, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में मिले 1849 में। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3। कोड देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलनबरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर को। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम अनुसार सजाइए। ऑप्शन है हैदराबाद, मैसूर, तंजोर, अवध, पुणे के पेशवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर तंजोर, फिर अवध और फिर पुणे के पेशवा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। कार्ल मार्क्स ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेजली ने। सुमेलित कीजिए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग के समय, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमस हर्ट के समय, और ठगों का दमन विलियम बेंटिक के समय, और मेकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव विलियम बेंटिक के समय। तो इसका आंसर होगा ए, दो, तीन, चार। कूट देखते हैं, एक, दो, तीन, चार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त, चार्ल्स मैटको, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ओकलैंड, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर होगा चार, दो, तीन, एक। कोड देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के जगदीश का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को काल क्रम अनुसार सजाइए। ऑप्शन है सतारा, संबलपुर और जैतपुर, बगाड, उदयपुर, झांसी, नागपुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले सतारा, फिर संबलपुर और जैतपुर, फिर बगाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और फिर नागपुर। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक में घटनाएं और सूची दो में वर्षिया अवधि है। सुंगोली की संधि 1816 में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86 में। तो इसका आंसर होगा एक, दो, तीन, चार। कूट देखते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? उसने त्रावणकोर पर शासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसने शांति बनाए
रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी, यह सत्य नहीं है। अठारहवीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ? हैदर अली। पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।